Under ideal conditions, consider two different sources of light producing the identical waves that happen to be in the phase with each other. The two sources are placed at the corners of a square. They broadcast waves uniformly in all directions. Which of the following locations of the source will ensure that the waves always produce constructive interference at the center of the square? A. Any two corners of the square. B. Only the adjacent corners of the square. C. Only corners across the diagonal of the square. D. One source at corner and other at the center. तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो सोर्स हैं हमारे पास और दोनों आइडेंटिकल वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं फेस में, मतलब उनके बीच फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहता है जो भी है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कोहरेंट सोर्स की बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं बच्चों? कोहरेंट सोर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कोहरेंट सोर्स की बात कर ली है। कोहरेंट सोर्स की बात करते हैं तो कह रहे हैं जब दो कोहरेंट सोर्स कहीं भी रखे जाते हैं या डायगोनल में एक कॉर्नर पे कहाँ कहाँ रखे जाएं, कि सेंटर पे हमको, ये सेंटर है ठीक है, वो मान लेते हैं ये सेंटर, कह रहे सेंटर पे हमको क्या मिले बच्चों? हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिले। तो बच्चों सेंटर पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव यानी कि ब्राइट फ्रिंज मिलने का मतलब हुआ यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए भाई, ठीक है। बच्चों आपको पता है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिलती है? जब आने वाली दो वेव का पाथ डिफरेंस या तो जीरो या लेमडा या लेमडा या टू लेमडा या थ्री लेमडा हो जाता है। इस सिचुएशन में ठीक है हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, मतलब पाथ डिफरेंस फॉर ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमको ये पाथ डिफरेंस मिलना चाहिए। तो बच्चों देखिए, अगर एक सोर्स आपने यहां रखा, एक सोर्स आपने यहां रखा, मान लो S1 है ये S2 है, वो आपने रख दिया, तो क्या होगा? जितना पाथ ये वेव ट्रेवल करेगी यहां से यहां तक पहुंचने में, उतना ही पाथ ये ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम होती हैं। तो S1O माइनस S2O क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिल्कुल। अगर हम ये सोर्स यहां के बजाय यहां रख दें तब भी पाथ डिफरेंस जीरो मिलेगा, यहां रख दें तब भी पाथ डिफरेंस, क्यों? क्योंकि सारी डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है। इसका मतलब कहीं भी दो कॉर्नर पे अगर हम सोर्स पुट कर देंगे, चाहे हम यहां पुट कर दें चाहे यहां पुट कर दें, अगर कोहरेंट सोर्स किन्हीं भी दो कॉर्नर पे पुट कर देंगे तो सेंटर पे हमेशा हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस हमेशा जीरो रहेगा। यहां से बात क्लियर है बच्चों कि कहीं भी दो कॉर्नर पे अगर हम सोर्स रख देते हैं तो हमको यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इसका मतलब इसको ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि किसी भी दो कॉर्नर पे रखने पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो दोनों एडजेसेंट पे रखें कॉर्नर पे, चाहे डायगोनली अपोजिट रखें, हर जगह से मिलेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा।